मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पांव तेजी से पसार चुका है। प्रदेश में बुधवार को 42 और नए मामले सामने आए हैं, सभी भोपाल से हैं। इसमें एक 2 साल की बच्ची और एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। साथ ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कुक भी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद सिर्फ भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1466 हो गई है। ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके साथ ही पूरे इंदौर में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। भोपाल पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जो लोग बेवजह अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं और उनका वीडियो बनाकर पुलिस तक पहुंचाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2519 हो गई है, जिसमें 114 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 373 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। न्यूज़ डेस्क।